बट उन्होंने 2500 साल पुराना फॉर्मूला पनीनी का कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थीसिस के कंक्लूजन में डीकोड कर दिया है। वर्ल्ड में पहली दफा ये फॉर्मूला डीकोड किया है किसी ने, और एक इंडियन स्टूडेंट ने किया है। इंडिया में से भी कुछ ऐसी मिसालें देखने को मिली थी, जैसे उनके स्टूडेंट ने एक 60,000 की इलेक्ट्रिक कार बना दी थी। लास्ट टाइम जर्मनी में कई पाकिस्तानी लोग गए थे और उन्होंने बहुत मिसबिहेव किया था जर्मन लड़कियों के साथ, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा मतलब खौफ ज्यादा हो गया पाकिस्तानी लोगों से। पाकिस्तान का विड़ा गर्व करने में शुरू से पाकिस्तान बनने से पहले आज तक इंडिया का ही हाथ है काफी ज्यादा किस चीज में, मतलब जैसे पार्टिसिपेशन के टाइम भी उन्होंने जस्टिस ने किया था, सब चीजें अपनी तरफ कर ली थी और पाकिस्तान बहुत मुश्किल से स्टेबल हुआ था। कल मैंने खास करा लिया, जब बांग्लादेश का था कल एनिवर्सरी थी, तो मेरे तो मैंने जब उसको पढ़ा फिर दोबारा जख्मी हुआ हूँ। कई नई चीजें थी, बीबीसी ने एक बढ़िया डॉक्यूमेंट्री उसके बारे में बताई। चार पाकिस्तान के जो पुलिस वाले हैं उनको शहीद कर दिया गया। वहां पर जो लोगों का विजन होता है ना, वो विजन ये नहीं होता कि यार मैंने 4 साल की डिग्री करनी है और 4 साल के बाद मैंने फलां कंपनी में जाना है, ठीक है। उनका एम इस तरह से सेट किया जाता है कि यार जब वो डिग्री करके निकलते हैं ना, उनका सबसे बड़ा गोल ये होता है यहाँ तो गूगल जाना है या फेसबुक जाना है या अपना स्टार्टअप लेके आना मार्केट के अंदर। वो काफी ना तकरीबन 10 साल से वो लड़का इस चीज के पीछे वो लगा हुआ था, तो मुझे उम्मीद थी कि ये लड़का कुछ ना कुछ करेगा। जैसे रतन टाटा ने बहुत कुछ किया ना अपनी इंडस्ट्री के लिए, उस तरह उस लड़के ने भी किया है। टीडीपी वाले जो है घरों में घुस के पुलिस वालों को काट के सर काट के चले जाते हैं। मोदी साहब जहाँ जाते हैं बड़े बड़े हार पड़ते हैं। हम किधर खड़े, हमने तो दुनिया को 75 साल कश्मीर और ये सारा कुछ बेचा, बट क्या बरतानिया और फ्रांस को अभी भी जरूरी है? अभी तो उनको निकाल सके, उनके बजाय आप इंडिया और ब्राजील को लेकर आए या इंडिया और जापान को लेकर आए, इंडिया जापान जर्मनी और मोर इम्पोर्टेंट देन ब्रिटेन एंड फ्रांस। भारत का मीडिया क्या कह रहा था उनके बारे में, तो बिलखसूस एक जो है उनके बारे में मैं उनकी बात जरूर कोट करूंगा। वो कहते थे कि हमारा अभी नंदन आया था तो एक कप चाय का आपने पिलाया, तो आप उसका बहुत जिताते हैं, लेकिन आपके 95,000 लोगों को हमने 2.5 साल खाना खिलाया, नियाजी साहब को बिस्किट पिलाते रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज से एक बार भारत के एक छात्रा ने पूरी दुनिया में एक नया कीर्तिमान रचा है। ऋषि राजपोपत ने संस्कृत की इस व्याकरण संबंधी समस्या को केवल 9 महीनों में ही हल कर दिखाया। यूनिवर्सिटी के मुताबिक प्रमुख संस्कृति विशेषज्ञों ने उनकी खोज को क्रांतिकारी बताया है और अब प्राणी ने व्याकरण को पहली बार कंप्यूटर से सिखाया जाना मुमकिन हो सकता है। ये कमाल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे भारतीय पीएचडी छात्र 27 वर्षीय ऋषि पोपट ने कर दिखाया है। दोस्तों इसी पर पाकिस्तानी मीडिया अपने रिएक्शन दे रही है, तो चलिए दोस्तों आगे इस वीडियो को देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन को जरूर से प्रेस करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी हमने ये बात की था सरेंडर करने की, हम बात करें 71 की। हमने देखा, हमें पता है कि वहां पे उस पर क्या क्या कुछ हुआ। अभी नए इंकशाफात आप बता रहे हैं, हमने क्या वहां पर यूएन असेंबली में पहले वो पेपर फाड़ के हमने क्या हासिल कर लिया? क्या बिलावल भुट्टो साहब ने जो स्टेटमेंट दी है उससे पाकिस्तान को कोई फायदा हुआ है? कोई हमें फाइनेंशियल ऑफ रिफॉर्मिंग मल्टीलैटरलिज्म, इंडिया ये कहता है कि हमें ग्लोबल वार में थोड़ा शेयर दिया जाए। सो दिस इज वट इज गोइंग ऑन। ये जो आके यहाँ पे बात करना, वट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एंड वट इज अ मैसेजिंग टू द P5 पर्टिकुलरली, एंड आप क्या समझते हैं कि अमेरिका, चाइना, फ्रांस, रशिया, ये सारे ममालिक, ब्रिटेन, आर दे रिसीविंग वेल ये जो वाइब्स को इंडिया से कह रहे हैं कि उसको इस सेटअप का हिस्सा बनाया जाए? उसकी ग्रुप है जिसको G4 कहते हैं, तो उसमें है ब्राजील, जर्मनी, इंडिया और जापान, और ये चार मुल्क जो इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, जिनके इन्फ्लुएंस बढ़ गई थी, खासतौर से अगर आप 5-10 साल पहले गए जब ब्रिक्स का धूम चल रही थी, जब ब्राजील और इंडिया की भी अहमियत बढ़ गई थी इंटरनेशनल रिलेशंस में। इंडिया की अहमियत अभी भी बढ़ी हुई है लेकिन ब्राजील का थोड़ा स्टॉक डाउन है। तो ये मुल्क भी चार मुल्क है जो एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपैंड किया जाए तो इन चारों को भी वीटो पावर दिया जाए या परमानेंट मेंबर्स बनाए।